बात करते हैं मायरा का बर्थडे का। और ये मैं आ गई थी छत पे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून भी मिल रहा है और बहुत टाइम के बाद मैं घर भी आई हूँ। मतलब ये हो गए होंगे मुझे 8 महीने, 8 महीने के बाद मैं घर आई हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा माशाल्लाह से, अच्छा लग रहा है। वही मैंने कहा कि कल से मेरा व्लॉग कंटिन्यू है, चल ही रहा है, तो मैंने कहा उसको एंड करते हैं और एक नया व्लॉग बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आती हूँ और आप लोग को बताती हूँ। तो मैंने कैसे मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी का, कल का मेरा जो सफ़र रहा है ना वो 8 घंटे, 7-8 घंटे का रहा है। तो वही मैं आप लोग से शेयर कर रही थी कि मतलब मम्मी पापा से मिलने के लिए भी ना इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं कैसे आई, मैंने कैसे ट्रेवल किया, क्या कैसी मेरी जर्नी रही, वो मैं अभी इस वीडियो के बाद जो वीडियो में लगा स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग टाइम से। और मेरा 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं आया था, तो मैंने सोचा ही था कि आज मैं इवनिंग से स्टार्ट करूँगी अपना ब्लॉग। और मैं किस वजह से बिजी थी, क्यों ब्लॉग नहीं ऐड कर पाई अपना, क्यों नहीं डाल पाई, वो मैं आप लोग को बताती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को। इतनी तो मैंने तैयारी कर ली है, पैकिंग कर ली है और ये है अमायरा। अब अमायरा के घर जाएंगे, छुट्टी मना के आएंगे, नानी के यहाँ जाएंगे, छुट्टी मना के आएंगे और हम लोग जा रहे हैं। और इंशाल्लाह देखो 11 की ईद भी हो सकती है, तो इस बार की ईद होगी मायके में। अमायरा के पापा को छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, हमने उनसे भी कहा था चलो, पर उनको काम है तो वो जा नहीं रहे, तो हम लोग जा रहे हैं अपने, मैं जा रही हूँ अपने मायके अम्मी पापा के पास। और आप लोग को मैं बता दूँ कि इस बार मतलब मेरी शादी हुई है 2016 में, 2016 के बाद 2024 में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है इन दिनों के बीच में कि मैं मतलब ससुराल में इतने लॉन्ग टाइम तक रही। वैसे मैं 5 से 6 महीने में, हर 5 महीने में या हर 6 महीने में अपने घर जाती थी, बीच में ऐसा हो गया था कि 2 महीने में, 3-3 महीने में भी मैं गई हूँ बीच में, पर अभी ऐसा हो गया है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 8 महीने के बाद घर जा रही हूँ। और आप लोग जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं, तो कितनी गर्मी हो रही, बाप रे, उनको ये पता होगा कि मैं अभी बीच में कितनी बीमार रही हूँ, मेरी कितनी तबीयत ख़राब रही है। तो अब बस बहुत हुआ, अभी तो अप्रैल में स्कूल भी लगना है, तो व्हाट्सअप वगैरह में जैसे स्कूल का होमवर्क आता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैंने कहा मैम से बात कर ली है, मैं उसको करवाती रहूँगी होमवर्क वगैरह, क्लास वर्क वगैरह। तो मैं जा रही हूँ घर और अम्मी के पास, मैं जा रही हूँ अम्मी के पास। और मैं कहाँ जा रही हूँ, इंशाल्लाह देखो जब आप लोग को ये व्लॉग मिलेगा उस समय मैं पहुँच चुकी हूँगी। तो मैं जा रही हूँ धनपुरी, धनपुरी और सागर से जा रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बता। अच्छा, जो जो अपने व्यू, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अपनी नानी के यहाँ जा रहे हो, तो कमेंट कर देना हमारा कह रही। और कुछ और लाइक और सब्सक्राइब। अच्छा, लाइक सब्सक्राइब के लिए कह रहे हैं और कमेंट। अच्छा, और कमेंट जरूर करना। हमारा की खुशी, कितनी खुश हो आप बताओ? 100 मिलियन। अच्छा, 100 मिलियन खुशी है इनको, ये बहुत टाइम से लगी। मैं तो सोची थी अभी नहीं जा रही हूँ, ईद हो जाएगी इसके बाद मैं जाऊँगी, तो पर ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है कि मम्मी चलो, मम्मी चलो। उसको नानी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और उसको भी आ रही है, और मैं सही बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, मुझे अम्मी की इतना ज़्यादा याद आ रही है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, मैं जैसी घर अपने पहुँचूँगी मैं आप लोगों से सब शेयर करती करती जाऊँगी। इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है ये व्लॉग, जब आप लोग को मिलेगा तो मैं पहुंच चुकी होंगी। और इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग की मेरी ट्रेन है तो मैं निकलती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। और माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करती हूँ कई ऐसी होंगी जो अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ, तो अल्लाह पाक ऐसा करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक नहीं जा पाता इंसान, तो मैं सबके लिए दुआ करती, सब लोग अपने जल्दी से अपने मम्मी के पास जाओ, मायके जाओ और अपने मम्मी पापा से मिलो, मेरी दुआ है। कहाँ गई थी, आ क्यों नहीं लगी थी, 2 दिन से ढूंढ रहे थे, कहाँ चली गई लादू रानी, मैं लादू रानी कहाँ चली गई है, छोटे छोटे बाबू लेने गई थी, सुनो सुनो ना सुनो, नहीं सुन नहीं नहीं सुन नहीं, गुच्छे में हो, मैं लादू रानी गुच्छे में, आ क्यों नहीं रही थी,
क्या हो गया है? आ क्यों नहीं रही थी? आओ नीचे आ जाओ, गुच्छा नहीं कर लो, गुच्छा नहीं कर लो, हम तो जा रहे हैं छुपे। बाय बाय, छुपे जा रहे हैं, बाय बाय। इतने गुच्छे में गुच्छा नहीं कर लो, इधर देखो, हमारे साइड देखो, हमारी साइड देखो, जल्दी से देखो ना रानी, मम्मा की छत देखो ना रानी, क्या हो गया है? हम तो जा रहे हैं, हम तो घूमू जा रहे हैं, देखो हमारे छत देखो तो घूमू जा रहे हैं, चलोगी रानी हमारे छत? प्याली छी बेटू गुड़िया, प्याली छी हमारी माओ है माओ। ये बज रहे थे जी सुबह के साथ, और हम फटाफट से रेडी हो गए थे क्योंकि 8:15 में हमारी ट्रेन थी और इसके लिए हमें पहले से निकलना था। ट्रैफिक वगैरह रहता सिटी में, तो हम फटाफट तैयार हो चुके थे और मैं तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में तैयार हो रही थी भाई, मायके जाने की खुशी अलग होती है। और ये मिस्टर कुरैशी अपने फ़ोन पर वीडियोज़ देखते हुए उदास रोज़दार, और ये सारा बैग वैग लेके मेरा पहुंचने वाले रेलवे स्टेशन, तो बस हम निकलने लगे थे। मैंने कहा ये शॉट ले लूँ, इसके बाद फिर हम निकलते हैं एक छोटा क्लिप लेने के बाद। और ये हम रहे रास्ते की हमारी जर्नी कुछ ऐसी, हम स्टेशन पहुंचे, वो मैंने यहाँ तक लिया हुआ था और ये पहुँच गए फाइनली हम स्टेशन। ट्रेन आने में भी थोड़ा लेट था तो हम वेट करने लगे थे ट्रेन का, और हमने ले ली ये सेल्फ़ी, और हमने लिया अपनी सेल्फ़ी में अमायरा को। और बस जो भी होगा हम आपके साथ आगे शेयर करते जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा वालेकुम, अच्छा फैमिली, हमारे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं नाज़िन आपके साथ। और जैसा कि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी थी कि मैं तीन दिन तक मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 से मैं अपने घर आ गई हूँ।
और मैं आ गई हूँ सागर से धनपुरी। धनपुरी आ गई हूँ मैं अपनी अम्मी के पास, मायके। और बस जो भी मेरी आप सबको पता है, और आप लोग कमेंट करिएगा आप सब कैसे हैं। और जैसे कि आज रमज़ान का लास्ट डे है तो आप लोग को मेरा व्लॉग मिलेगा, तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा बहुत सारी। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और गर्मी है यहाँ पर और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है हमारा मम्मी, आपको एक बात बताऊँ? एक बात जो पहले जाओ, ये वाले रूम की चाबी लेके आओ, खोलेंगे। जाओ यहीं बैठेंगे अपन आज। और बहुत मतलब रमज़ान का लास्ट डे है आज, पता ही नहीं चला देखते देखते कैसे ये रमज़ान पूरे निकल गए। और बस जल्दी से आज रोज़ा इफ्तार का टाइम जैसे कि होने वाला है। कल मैं आई, मैंने ज़्यादा कल जब मैं आई ना, इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे। और मैं आई वहाँ से, मैंने छोटा ही मोटा क्लिप लिया, और इसके बाद रोज़े इफ्तार का टाइम हो गया था, तो कल तो मैं रोज़े से थी नहीं, सफ़र में नहीं रखा था मैंने रोज़ा। और जैसे ही मैं आई, मैंने फिर मगरिब का टाइम हो गया था मुझे घर पहुँचते पहुँचते, मैंने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के फ्रेश फ्रेश होके कपड़े चेंज करे, मुँह हाथ धोया, मायरा को फ्रेश कराया, मुँह हाथ धुलाया, कपड़े वपड़े बदलाए उसके, और उसके बाद मैं फिर सो गई थी। सोने के बाद मैं बहुत लेट में उठी, रात में उठी, और फिर इसके बाद फिर जगती रही थोड़ा सा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई ब्लॉग बनाने की। मैंने कहा चलो ठीक है, कल एडिट करेंगे, कल इस ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे और फिर एडिट करेंगे, बहुत लंबा भी हो गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आप सब कैसे हो कमेंट करके बताना।